हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोपी तिवारी। और कैसे हो आप सब? जैसा कि मैंने पिछला ब्लॉग जो है डाला था कि मंदिर मेरा बन गया है और आज जो है मंदिर में भगवान की स्थापना हो रही है, तो आगे का ब्लॉग ये है, आप जो है ज़रूर देखिएगा। तो आज जो है घर पर है पूजा, जो कि भगवान मंदिर में स्थापित किए जाएंगे, तो वही पूजा रखी गई है। तो पूजा हो रही है जिसमें कि जो मूर्तियां हैं वो मंदिर में स्थापित की जाएंगी। उपस्थम कर्म साक्षी अब यदि यावत क्रम सापेक्षा तावत तुम सुसरो भवः। ओम नरि हि ओम महा दीव देवताभ्यो नमो नमः। जय ध्यानम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हम दे तुम रखे चढ़ाए। ओम नरि हि ओम महा दीव देवताभ्यो नमो नमः। प्रभात करावामि। ओम एनो जगविराय रंगो महाबलाधीनत्वाम्रवन्नामि। तो जैसा कि आपने देखा मंत्र द्वारा जो है पूजा शुरू होने लगी है। तो यहाँ पर जो है गणेश गौरी का आह्वान हो गया है और आगे जो है जैसे भी पूजा होती है वो सब शुरू हो गई है। और उसके बाद क्या है, प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो हो चुकी है। हमारा मंदिर जो था ना, पहले मैंने दिखाया था, तो अब यहाँ पर दूसरी जगह मैंने बनाया है, तो उसी में जो है स्थापित किए हैं भगवान। तो यहाँ पर क्या है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है दोबारा से। तो जो प्रोसेस होता है वो सारा जो है इसमें पूजा में किया गया है। तो सबसे पहले गौरी गणेश का आह्वान करने के बाद जो भगवान जी होंगे उन्हें जो है जल में कुछ देर रखा जाएगा। वैसे तो ये सारा प्रोसेस होता है एक एक दिन का, लेकिन क्या था, मेरा मकान भी अभी बन रहा है, पूरा नहीं बना है, तो उस वजह से मकान का काम भी चल रहा है। भगवान को भी बाहर नहीं रख सकते हैं, स्थापित करना है मंदिर में, तो मंदिर कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी भगवान को स्थापित करवा देते हैं मंदिर में। तो कुछ नहीं, पंडित जी ने बोला कि एक एक दिन का प्रोसेस ना हो के एक एक घंटे का भी हम करवा सकते हैं। तो क्योंकि फिर अष्टमी को हुआ था ये कार्यक्रम, क्योंकि बाद में नहीं हो सकता था, तो वही जो है प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद देखिए घर के सभी लोग आ गए हैं और आगे की पूजा जो है शुरू होगी। तो सबसे पहले जो है भगवान को जल में कुछ देर के लिए रखा गया था, तो यहाँ पर शायद वो आप देख पा रहे होंगे टंकी रखी है। नव्या जी ने बनाई है वीडियो, तो नव्या जी ने वीडियो कुछ अलग तरीके से बनाई है। तो ये देखिए सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पर सारी तैयारी लगाए हुए हैं पंडित जी, और ये देखिए नव्या जी भी हैं। हम थे पूजा में, तो नव्या ने जैसी भी वीडियो बना पाई है बनाई है, वो आपको टंकी दिख रही होगी, उसमें भगवान को जल में रखा गया है कुछ देर के लिए। ये देखिए शिवम जी भी आ गए हैं उठकर, इनका पूजा में तो ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या था, जल में जो है भगवान जी को किया गया है, तो कुछ देर के लिए वो रहेंगी। तब तक क्या होगा, एक घंटे का टाइम है, तो जो पूजा हो रही है तो वो फास्टिंग करके हो रही है, तो मेरा भी फास्ट है, तो उसके बाद जो है एक घंटे का रेस्ट है, तब तक हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। तो यहाँ पर जो है आगे की
पूजा की जा रही है और सभी जो है बैठे हुए हैं। भोले बाबा माता भवानी महाराज नंदी प्रतिष्ठा हितवे अन्निदान प्रकाशे कार्य अनुपम संकल्पना जो भी आपकी मनोकामना हो कार्य सिद्ध हितवे लक्ष्मी प्राप्त हितवे हृष्ट पुष्ट रोग शोक दोष निराकार इति संकल्प संप्रदते और संकल्प शिव संकल्प हम लोग थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं जाना चाहिए क्या उसको देना है आपको इनको छोड़ो सर हम लोग थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ देख अन्ना जी बात है आप कंजर भाई के दक्षिणा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनाज से भगवान को ढका जा रहा है। पहले जो है जल में थोड़ी देर रखा गया, उसके बाद अब अनाज में ढका जा रहा है। तो ये भी प्रोसेस एक घंटे तक भगवान जी को ढका जाएगा, उसके बाद खोला जाएगा। तो ये दो तीन चार प्रोसेस होते हैं भगवान को जो है प्राण प्रतिष्ठा जब होती है। तो ये देखिए जो है भगवान को ढक दिया है और उसके एक घंटे बाद मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोगों ने तब तक फलाहार वगैरह कर लिया था, एक घंटे का रेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम भगवान को जगाएंगे। उन्हें अनाज में ढका गया था तो अब हम लोग जो है बस अनाज में जो भगवान ढके हुए थे अब हम लोगों को भगवान को उठाएंगे। और एक साइड हमारी जो हनुमान जी की मूर्ति है मंदिर की, उस पर चोला चढ़ गया है, पंडित जी ने चढ़ा दिया है बड़े अच्छे से, जो है चोला चढ़ गया है। अब यहाँ पर भगवान को फल फूल और पत्तों से ढका जा रहा है। ये तीन प्रोसेस जो है इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद फिर एक घंटे का रेस्ट होगा, उसके बाद भगवान को उठाया जाएगा। तो यहाँ पर एक घंटे का रेस्ट हो गया था, भगवान को भी उठा लिया था और अब यहाँ पर स्नान होगा भगवान का। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा काफ़ी देर तक, शाम हो गई थी, काफ़ी देर तक ये प्रोसेस चला था। तो यहाँ पर कराया जा रहा है स्नान। तो स्नान के लिए जल दूध दही सभी से कराया जाएगा। और उसके बाद जो है हवन होगा, नहीं उसके बाद पहले स्नान के बाद मूर्तियों को पूछा जाएगा। पूछने के बाद वस्त्र, ये देखिए यहाँ पर होने लगा है माता रानी का श्रृंगार, हम सभी लोग कर रहे हैं। और उसके बाद शंकर जी को भी सजाया गया मंत्रों द्वारा, सारी पूजा हुई है। और उसके बाद देवी जी को भी, और उसके बाद हमने
मंदिर में ले जाएंगे स्थापित करने के लिए। जब मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी उसके बाद जो है होगा हवन, हवन के बाद हुआ था भंडारा, भंडारा के बाद हम लोगों ने पहले कन्याओं को खिलाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत भंडारा भी किया था, बहुत ज़्यादा बड़ा भंडारा नहीं किया था, बस थोड़ा सा आसपास के लोगों को और घर वाले लोगों को सब उन्हीं सब का था। तो अभी यहाँ पर देवी जी को सजाया जा रहा है, उसके बाद हम ले जाएंगे मंदिर में। सभी जो है देवी जी को सजाने में लगे हुए हैं, और ये मैं ड्रेस लाई थी देवी जी की, और यहाँ पर फूल माला वगैरह सभी चढ़ा देंगे। दरबार की जय, आवाज नहीं आई, बड़े भैया सब जा पकड़ के, दरबार की जय, बोलो दरगाह भगवती की जय। चलो तुम आ गया, आगे आ जाओ, फूल ना आगे नहीं, आगे देवी ओम हरी ओम मह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि विनायकं गुरुं मानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती गणं यादौ सर्वकार्याणि सिद्धयोः दत्तेना इन्द्रो और यहाँ पर इस तरीके से मूर्तियों को अंदर मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। तो अब उसके बाद एक साइड बनने लगा है भंडारा, और उसके बाद जो है हम लोग पहले हवन करेंगे। तो भंडारा बन रहा है और हवन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने भंडारे का कुछ रिकॉर्ड किया है, ये देखिए हलवाई अपना काम कर रहे हैं, तो बस भंडारा बन जाएगा। उसके बाद ये देखिए हवन भी शुरू हो गया है। और हवन हो गया है, एक साइड जो है भंडारा भी बन गया है, सूखी सब्जी और हलवा है। जैसा कि देवी जी की अष्टमी भी थी, तो एक साइड मैंने कद्दू भी बनवाया है, और ये पूड़ियाँ सिकने लगी हैं। तो अब कुछ नहीं, हम जो है कन्याओं को सबसे पहले खिलाएंगे, उसके बाद जो है और लोग खाएंगे। ये देखिए कन्याएं आ गई हैं, तो कन्याओं को हम सबसे पहले खाना खिलाएंगे। गैस कन्या खिलाऊंगी, तो बस वही मेरी गैस से ज्यादा ही हो गई है, कम नहीं है। तो यहाँ पर बस कन्याओं को खिला देंगे, और दक्षिणा वगैरह भी मैंने दे दी थी,
और उसके बाद सब ने फिर प्रसाद ग्रहण किया। ये मेरा ब्लॉक हुआ, मंदिर जो मेरा कंप्लीट हो गया है उसका आप लोग ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कन्याएं बड़े आनंद के साथ खाना खा रही हैं, देखिएगा आप। और यहाँ पर सारी कन्याएं खाना खा चुकी थी तो बस।